एक जंगी जहाज का जो पायलट होता है, फाइटर पायलट, उसके कैमरे, उसकी गन के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, उसको कहते हैं गन कैमरा। तो MM आलम साहब जो कुछ भी कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था, और फिर वो एक आइसोलेशन में नहीं था जो भी कर रहे थे, उनके कुछ साथी जो पायलट थे वो उनको गाइड भी कर रहे थे और उनको सपोर्ट कवर भी दे रहे थे, उन्होंने भी वो सब कुछ देखा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बंदे की जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो समझने की जरूरत है। उसने आप ये सवाल करें जी, ये एक मिनट के अंदर पांच जहाज तबाह कर लिए, तकरीबन 45 सेकंड, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है? तो आपको उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड ये है कि MM आलम जो है वो सरगोधा एयरबेस पे 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात से अपने फाइटर जहाज में कॉकपिट में बैठा हुआ है, और उसके पास पॉकेट साइज का कुरान है और वो उसकी तिलावत किया जा रहा है, और उसको अलर्ट किया हुआ है उसके कमांडर ने कि इंडिया की तरफ से अटैक होगा तो तुमने उस अटैक को रोकना है। और साथ में जो एयर मार्शल नूर खान थे उन्होंने ये भी कहा था सबको कि ये नहीं है कि गए ऊपर और एक फ्लाइट मार के आगे नीचे लैंड कर गए, पेट्रोल हमारे पास बहुत कम है, तो अगर आपने जहाज को ऊपर लेके जाना है एयरफील्ड में कुछ ना कुछ करके आना है, ये नहीं है कि बस इंडियन जहाजों को भगाया और वापस आ गए, इस तरह नहीं है। तो अब वो जनाब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और इस दौरान में 7 सितंबर की सुबह इंडिया के हवाई जहाज जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और एक दो जगह पे बमबारी करते हैं, उनको बताया जाता है कि इंडिया ने अटैक कर दिया है। तो MM आलम साहब और उनके साथी जो हैं वो फ्लाई करके उनका पीछा करते हैं, और फिर वो सारा वाक्या पेश आता है। उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि वो जनाब एक वर्शन जो है वो इंडियन साइड का ये है कि वो जी एक जहाज में खराबी पैदा हो गई थी तो पायलट जो है उसने पैराशूट से छलांग मार दी थी, तो उसका तो जहाज जो है वो इंजन में खराबी की वजह से गिर गया, तो वो आपने MM आलम के खाते में डाल दिया, उसको भी वो काउंट कर लिया। ऐसी बिल्कुल गलत बात है। वो जो पायलट था वो उसको नीचे देहातियों ने पकड़ लिया, तो उसने देहातियों को कहा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ, ठीक है ना, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो जब पुलिस आई वहां पे तो फिर पता चला कि ये तो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, और उसके जहाज के बारे में भी एविडेंस मौजूद है कि उसको भी हिट किया गया था और उसका इंजन विंजन कोई नहीं फेल हुआ था। तो MM आलम साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी एविडेंस मौजूद है, और तमाम जो जंगी माहरीन हैं वो उनके उस कारनामे को इंडोर्स करते हैं, वो और इसीलिए उनको इतने बड़े बड़े एजाजात मिले, वो हमारे हीरो हैं और हीरो रहे।